हेलो गाइज, मेरा नाम है संजू ठाकुर और आप देख रहे हैं रेजी फॉर हिमाचल। तो 17 तारीख को जो है काफ़ी अच्छा स्नोफॉल हुआ शिमला में और कश्मीर में, उत्तराखंड में भी जो केदारनाथ साइड काफ़ी अच्छा स्नोफॉल देखने के लिए मिला, लेकिन अभी तक जो मसूरी औलिया धनौल्टी में भी कोई अच्छा स्नोफॉल देखने के लिए नहीं मिला। तो आप देख सकते हो मैं अभी कुल्लू में आप जो है देख सकते हो काफ़ी अच्छी स्नोफॉल यहाँ पे हुआ था। तो अभी भी जो है थोड़ी बहुत स्नोफॉल यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो में बात करेंगे औलिया धनौल्टी की, कब आपको जो यहाँ पे स्नोफॉल देखने के लिए मिलेगा, क्या जो चांसेस है कि आपको जो न्यू ईयर और क्रिसमस के टाइम तक जो आपको वहाँ पे स्नोफॉल देखने के लिए मिलेगा, सब कुछ बताऊंगा मैं इस वीडियो में। वैसे तो उत्तराखंड में जो काफ़ी जगहों पे जो स्नोफॉल होता है, जैसे कि आपका नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, रानीखेत हो गया, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा स्नोफॉल देखने के लिए मिलता है, लेकिन औलिया और धनौल्टी उत्तराखंड की काफ़ी फेमस स्नोफॉल डेस्टिनेशन है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्नोफॉल होता है अगर मैं कंपेयर करूँ मसूरी, रानीखेत और नैनीताल से। तो अगर मैं आपको औली का वेदर दिखाऊं तो आप देख सकते हो 21, 22, 23, 24 हल्का मौसम खराब है और 25, 26 को भी खराब है। 27, 28 और 29 को आप देख सकते हो कि हल्की फुल्की स्नोफॉल हो सकती है। तो औली में तो ना के बराबर चांसेस है कि आपको जो है दिसंबर में यहाँ पे स्नोफॉल देखने के लिए मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो बिल्कुल लाइट सा स्नोफॉल मिलेगा। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पे -2 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मैक्सिमम जो है 7 डिग्री सेल्सियस। अब मैं आपको जो है धनौल्टी का वेदर दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो 21 से 25 तक का मौसम साफ रहेगा और 26 को हल्के बादल रहेंगे और 27, 28 को जो है यहाँ पे बारिश होगी। उसके बाद देख सकते हो 29, 30 का तीव्र मौसम खराब रहेगा। तो औली में तो बिल्कुल भी चांस नहीं यहाँ पे स्नोफॉल, क्योंकि यहाँ पे आप टेम्परेचर देख सकते हो जो मिनिमम टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस है और जो मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इस टेम्परेचर में तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि आपको जो यहाँ पे स्नोफॉल देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि पिछली स्नो प्रोडक्शन में भी बताया कि ओली में जो है कम चांसेस है स्नोफॉल के, और वहाँ पे हल्का फुल्का स्नोफॉल ही हुआ, ज़्यादा अच्छा स्नोफॉल नहीं हुआ। और धनौल्टी के लिए तो मैंने वैसे ही मना किया था कि अभी वहाँ पे कोई चांसेस नहीं है, तो आगे भी जो धनौल्टी में बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि आपको जो वहाँ पे स्नोफॉल देखने के लिए मिलेगा। तो जनवरी के लिए अलग से स्नोफॉल अपडेट आपके लिए लेके आऊँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक, तब तक के लिए धन्यवाद।